Hi everyone, welcome to Reha Learning World. Now it's time for question number 8 of exercise 2.1, whole numbers. So let's start. Question number 8 is, which of the following statements are true and which are false? Inme se kaun si statements true hai bachcho aur kaun si statement false hai, ye is question mein batana hai. So A part is, 0 is the smallest natural number. जीरो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है. तो बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. अब नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखा है बच्चों, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से, वन टू थ्री फोर एंड मेनी मोर नंबर्स. ओके, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा हुआ, वन हुआ. बट यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है, जीरो. तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, जीरो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता. तो सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके बच्चों, नाउ बी पार्ट. 400 इज द प्रेडेसेसर ऑफ 399. 400 399 का प्रेडेसेसर है. बच्चों प्रेडेसेसर का मतलब होता है पहले वाला नंबर. अब 399 से पहले जो नंबर आता है वो कैसे पता चलेगा, जब आप 399 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 398. तो 399 का प्रेडेसेसर तो 398 होता है, बट यहां पे लिखा है 400, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. ओके, नाउ सी पार्ट. जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. जीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर है. तो बच्चों होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से, जीरो वन टू थ्री एंड मेनी मोर. तो हाँ, जीरो जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. ओके बच्चों, नाउ डी पार्ट. 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599 का सक्सेसर है. सक्सेसर मतलब होता है बच्चों आगे वाला नंबर. तो अगर 599 का आगे वाला नंबर हमें पता करना है तो हम उसमें 1 ऐड करते हैं. ठीक है, 9 and 1 10 कैरी, 9 and 1 10, 5 and 1 6. तो आ गया 600. इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. ओके बच्चों, नाउ ई पार्ट. बच्चों ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं. तो बच्चों पहले ये देखते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो शुरू होते हैं 1 से, ठीक है, और होल नंबर्स शुरू होते हैं 0 से. ये नेचुरल नंबर्स हैं और ये होल नंबर्स हैं. सो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 2 3 4 एंड मेनी मोर. अब क्वेश्चन ये है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है. तो दैट मींस ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है. ये देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर में भी 1 2 3 4 आता है, तो दैट मींस ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, नाउ एफ पार्ट. ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. क्या सारे होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स होते हैं. सो बच्चों यहाँ पे देखेंगे होल नंबर स्टार्ट हुआ 0 से और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से. यानी 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नहीं होता. इसका मतलब सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते. तो यानी ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. ओके बच्चो, नाउ जी पार्ट. The predecessor of a two-digit number is never a single-digit number. Question ये है बच्चों कि किसी two-digit number का predecessor, यानी पहले वाला number, कभी भी single-digit नहीं हो सकता. तो देखिए बच्चों, एक number हम लेते हैं. यहाँ पर एक number है 10. 10 का predecessor क्या होता है? 9 होता है. अब 10 two-digit number है और 9 one-digit number है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये statement false हुआ. 10 एक ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट है और इसका प्रेडेसेसर जो 9 है वो सिंगल डिजिट है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके बच्चों, नाउ एच पार्ट. बच्चों एच पार्ट इज, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. बच्चों 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. अब होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से. ओके बच्चों, सो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हुआ, 0. बट यहाँ पे क्या बताया हुआ है, स्मॉलेस्ट होल नंबर दिया हुआ है 1. तो यानी ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है, क्योंकि स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0.
ओके बच्चों, नाउ आई पार्ट, द नेचुरल नंबर वन हैज नो प्रेडेसेसर। नेचुरल नंबर वन का कोई प्रेडेसेसर नहीं होता बच्चों। नेचुरल नंबर्स शुरू होते हैं वन से, वन टू थ्री फोर फाइव, ओके। सो नेचुरल नंबर वन का कोई प्रेडेसेसर नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं होता, बिकॉज नेचुरल नंबर शुरू होते हैं वन से। तो जब ये वन से स्टार्ट होते हैं तो इसका आगे कोई प्रेडेसेसर नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। नाउ जे पार्ट, द होल नंबर वन हैज नो प्रेडेसेसर। होल नंबर वन का कोई प्रेडेसेसर नहीं होता। अब बच्चे जो होल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं जीरो से, जीरो वन टू थ्री, ठीक है। अब इन्होंने बोला है होल नंबर वन का प्रेडेसेसर बताना है, तो यहां पर देखिए वन से पहले क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ये फॉल्स हुआ। होल नंबर वन हैज नो प्रेडेसेसर, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि इसका प्रेडेसेसर होता है, ओके। इसका प्रेडेसेसर क्या होगा, जीरो होगा। नाउ के पार्ट, होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। होल नंबर 13 जो है वो 11 और 12 के बीच में आता है। अगर बच्चों हम देखें 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 आता है, 11 और 12 के बीच में 13 नहीं आता, 12 के बाद 13 आता है। और यहां पे दिया है कि 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, ओके। नाउ एल पार्ट बच्चों, द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडेसेसर। सो होल नंबर 0 का कोई प्रेडेसेसर नहीं होता बच्चों। होल नंबर स्टार्ट होते हैं किससे, 0 से, 0 1 2, ठीक है। अब 0 का कोई प्रेडेसेसर है यहां पर, नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ। 0 होल नंबर 0 का कोई प्रेडेसेसर नहीं होता। नाउ लास्ट पार्ट बच्चों, द सक्सेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर। क्वेश्चन ये है बच्चों कि टू डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा टू डिजिट नंबर ही होता है। सपोज मेरे पास एक टू डिजिट नंबर है 45, अब इसका सक्सेसर बताना है मुझे, सक्सेसर मतलब आगे वाला नंबर मुझे बताना है, तो 45 का सक्सेसर होता है 46। ये भी टू डिजिट है, ये भी टू डिजिट है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो बच्चों अगर मैं एक और नंबर ले रही हूं यहां पर, दैट इज 99। अब 99 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 100 होता है। अब ये है टू डिजिट, बट 100 होता है थ्री डिजिट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट नहीं होती। हमेशा टू डिजिट नंबर का सक्सेसर टू डिजिट नहीं होता, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स, ओके बच्चों। सो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ये इसका लास्ट ही क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ओके।